जहीर खान, और ये जहीर खान तैयार, और ये आंग्रे, और ये बोल्ड, भाई क्या बॉल डाली है यार, क्या बॉल, बेली से नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलगला, बेली से नागिन निकाली। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग फिटनेस एंड मोर। तो आज हम लोग हाजिर हैं लेजेंड्स कप के एक और नए मैच के साथ। ये मैच होने जा रहा है इंडिया और वेस्ट इंडीज का, मतलब इंडिया और वेस्ट इंडीज के सभी महान खिलाड़ी इस गेम में खेलेंगे टॉस होता हुआ, और ये टॉस में अपन टेल लेंगे हमेशा की तरह। देखते हैं इस बार टॉस कौन जीता है, और इस बार टॉस जीते हैं हम लोग इस बार टॉस जीते हैं, और इस बार हम लोग लेंगे बॉलिंग। पिछली बार टॉस जीत के हम लोगों ने बैटिंग ली थी और खामियाजा भुगतना पड़ा था, इसलिए इस बार हम लोग बॉलिंग लेकर देखेंगे। देखते हैं इस बार कौन ये मैच जीतता है। हम लोग पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों को ये मैच ज़रूर 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 आखिरी तक देखना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ओपनिंग करने आ रहे हैं ब्रायन लारा और ग्रेनिज। हमारी तरफ से पहला ओवर करेंगे हमेशा की तरह कपिल देव, सर्वश्रेष्ठ महान गेंदबाज कपिल देव बॉलिंग की करेंगे शुरुआत भारत की ओर से। और वेस्ट इंडीज की तरफ से स्ट्राइक पर रहेंगे ब्रायन लारा, ब्रायन लारा स्ट्राइक पर रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से, कपिल देव करेंगे बॉलिंग की शुरुआत। देखते हैं वेस्ट इंडीज दो ओवरों में कितने रन बना पाती है। पहली गेंद कपिल देव की, और ये रिवर्स हुई भाई पहली गेंद पर, और ये एक रन के लिए पहली ही गेंद पर रिवर्स स्वीप मारा है। दोनों के विचार बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार कपिल देव सामने हैं, और ये गेंद डाली, स्वीप मारा है लेकिन कोई रन नहीं भाई, ये लोग बैठ के ही मार रहे हैं। पहली गेंद पे ब्रायन लारा ने रिवर्स स्वीप मारा और दूसरी पर स्वीप मारा। मैं लॉन्ग ऑन पर फील्डर लगाता हूँ क्योंकि मुझे सामने गेंदबाजी करनी है, और एक डीप मिड विकेट पर। ओके, ये वाली फील्ड सही रहेगी इसी के साथ। चलो अगली बॉल खेलने के लिए तैयार ग्रेनिज। ओके, ग्रेनिज अगली बॉल खेलने के लिए तैयार, कपिल देव सामने, और ये बेहतरीन पुल शॉट लेकिन सिर्फ एक रन के लिए वहाँ पर फील्डर है। बहुत बढ़िया बॉलिंग कपिल देव की, तीन गेंदों में दिए हैं मात्र दो रन। ये दो दो ओवर का मैच है इसलिए इसमें हर गेंद बहुत महत्व रखती है, और हर गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रायन लारा हैं स्ट्राइक पर, क्या कर पाते हैं देखते हैं। और ये अगली गेंद कपिल देव की, फिर रिवर्स स्वीप मारा है लेकिन कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंद कपिल देव की, इसी के साथ ब्रायन लारा फिर से स्ट्राइक पर हैं। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। वेस्ट इंडीज के चार गेंदों में दो रन हुए हैं, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ कपिल देव का। और ये अगली गेंद, और ये भाई मारा है ऊपर से चार रन के लिए, ये बॉल बाउंड्री से बाहर जाएगी। बहुत ही बढ़िया शॉट मारा ब्रायन लारा ने, बहुत ही बढ़िया, फील्डर अंदर थे उसका बखूबी फ़ायदा उठाया और बॉल को भेजा बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार ब्रायन लारा, कपिल देव को राउंड विकेट डलवाते हैं, राउंड विकेट बॉल डलवाते हैं, क्योंकि एक अपना मिड ऑन पे फील्डर, लॉन्ग ऑन पे फील्डर है, एक डीप मिड विकेट पे। और ये फिर से स्वीप मारा है लेकिन शायद एक ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छा ओवर कपिल देव का, एक ओवर में मात्र 7 रन बना पाई वेस्ट इंडीज की टीम। बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है कपिल देव ने, बहुत ही बढ़िया ओवर डाला है। ये देखिए किस प्रकार से गेंदें रही हैं, बहुत ही बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ कपिल देव का। इसके बाद किससे डलवाएं भाई, जहीर खान से डलवाएंगे अगला ओवर। भाई लोग देखना, जहीर खान मेरा फेवरेट बॉलर है, जहीर खान से डलवाते हैं ये ओवर, और देखो जहीर खान क्या मस्त गेंदबाजी करते हैं मेरे भाई जहीर खान। और ये पहली गेंद खेलने के लिए तैयार जहीर खान की ब्रायन लारा हैं सामने, जहीर खान करेंगे गेंदबाजी। और ये भाई आगे बढ़ के मारा है लेकिन लेट हो गया इसलिए कोई रन नहीं, मतलब बैट थोड़ा लेट चला, शॉट देखने के बाद लगा कि ये लेट शॉट मारा है। जहीर खान की विशेषता है कि भाई एक ही लाइन लेंथ पर कंटिन्यू गेंदबाजी कर सकते हैं। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार ब्रायन लारा, और ये ऊपर से मारा है, कैच हो सकता है, ओ भाई ड्रॉप्ड, ओ भाई ब्रायन लारा का कैच छोड़ दिया। जहीर खान बड़े ही नाखुश हैं, और होना भी चाहिए, इतने बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ दिया, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही अच्छी की है। 8 गेंदें हो गई हैं अभी तक पारी की और सिर्फ 8 ही रन बने हैं। अगली गेंद के लिए तैयार, और ये स्वीप मारा है लेकिन शायद एक ही रन मिल पाएगा क्योंकि फील्डर है वहाँ पर। और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाज, पहले कपिल देव का ओवर अच्छा गया, अब जहीर खान अच्छा गेंदबाजी डाल रहे हैं।
और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार सामने है ब्रायन लारा। क्या कर पाते हैं जहीर खान? और ये जहीर खान तैयार, और ये आंगर बॉल, और ये बोल्ड, भाई क्या बॉल डाली है यार, क्या बॉल, बेली से रागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलगला, बेली से नागिन निकाली डाली जहीर खान भाई, छा गए भाई, छा गए जहीर भाई ने बोल्ड मार दिया ब्रायन लारे का, ब्रायन लारा का। स्टंप हवा में फिक चुके हैं भाई, एक नंबर गेंदबाजी जहीर खान की, एक नंबर गेंदबाजी, बोले तो खुश कर दिया भाई, बोले तो खुश कर दिया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जहीर खान की। इसी के साथ ब्रायन लारा का विकेट लिया है, और ये देखिए आप रीप्ले में किस प्रकार से जहीर खान ने ब्रायन लारा को बोल्ड मारा भाई, कोई जवाब नहीं लारा के पास, कोई जवाब नहीं। और ये ओवर की पांचवी गेंद खेलने के लिए विवियन रिचर्ड्स आए हैं स्ट्राइक पर, और अभी भी वेस्ट इंडीज का स्कोर रुका हुआ 9 रन, ऐसे में वेस्ट इंडीज के हारने के चांस ज़्यादा हैं। और ये विवियन रिचर्ड्स सामने, और ये सामने उठा दिया भाई 6 रन, 6 रन भाई, नाम के अनुसार शॉट भाई, इनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, क्या शॉट मारा है भाई रिचर्डसन, क्या ही शॉट मारा है, बहुत ही बढ़िया शॉट भाई, बेहतरीन शॉट मारा रिचर्डसन ने। और ये लास्ट बॉल पारी की वेस्ट इंडीज के सी, एक छक्के के साथ हो चुके हैं 15 रन, आखिरी गेंद, और ये स्वीप मारा है, क्या 2 रन लेंगे? नहीं, एक से संतुष्ट, दूसरे लेने की कोई कोशिश नहीं। वेस्ट इंडीज का स्कोर होता हुआ 16 रन 2 ओवर के पश्चात, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इंडिया की और जहीर खान की। तो क्या इंडिया ये मैच जीत पाएगा, और क्या जीतने के लिए चाहिए हैं 17 रन? ओपनिंग करने के लिए हमेशा की तरह आएंगे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तो क्या इंडिया यह मैच जीत पाएगा, क्या लगता है भाइयों बहनों, आपको आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए भाई, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या लगता है। होल्डिंग करेंगे गेंदबाजी वेस्ट इंडीज की ओर से, और हमारे दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पे आते हुए स्ट्राइक पर हैं सचिन, रमेश तेंदुलकर। ओके, 17 रन चाहिए हैं इंडिया को जीत के लिए। पहली गेंद आगे बढ़ के मारा है, रन दौड़ गए हैं, और भाई रन आउट होने का चांस, लेकिन बच गए। ओ भाई बाल बाल बच्चे सहवाग, क्या डाइव मारी यार सहवाग ने, क्या डाइव मारी। अगली गेंद खेलने के लिए सहवाग तैयार, होल्डिंग गेंद करेंगे, और ये चुग गए, वाह वाह वाह, गेंद को गेंद में स्विंग मिलती हुई होल्डिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया गेंद डाली है इन्होंने। और अगली गेंद खेलने के लिए सहवाग तैयार, और भाई फिर से चुग गए, कट मारने का प्रयास, फिर से चुग गए सहवाग। इंडिया अंडर प्रेशर, 3 गेंदों में 1 रन बना है मात्र। अगली गेंद होल्डिंग की, और ये फिर चुका है भाई, ड्राइव मारने का प्रयास, लेकिन बॉल और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता हुआ। सहवाग फिर से तैयार, होल्डिंग करेंगे गेंदबाजी, और भाई 6 रन, व्हाट अ शॉट भाई, व्हाट अ शॉट, पिन ड्रॉप साइलेंस, व्हाट अ शॉट भाई, क्या शॉट ही मारा है सहवाग ने। और भाई फिर से देखो, ओ भाई दिल जीत लिया यार, क्या शॉट मारा भाई, क्या शॉट मारा है। इंडिया का स्कोर 7 रन 5 गेंदों में। आखिरी गेंद डालेंगे होल्डिंग विजन सहवाग को ओवर की, और ये ड्राइव मारने का प्रयास, लेकिन फिर से सहवाग चूक गए। कोई बात नहीं, इंडिया को जीत के लिए चाहिए है 1 ओवर में 10 रन, 1 ओवर में 10 रन। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पे हैं, और गार्नर बॉलिंग डालेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। पहली गेंद डाली है, और ये ड्राइव मारने का प्रयास, लेकिन चूक गए। इंडिया अंडर प्रेशर, 10 रन चाहिए हैं 5 गेंदों में। क्या इंडिया यह मैच जीत पाएगा? क्योंकि नहीं जीत पाएगा तो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। कट मारा, लेकिन एक बार फिर चूक गए, और अब 4 गेंदों में चाहिए हैं 10 रन। सचिन तेंदुलकर पर प्रेशर बढ़ता हुआ, क्या ये टीम को जिता पाएंगे? और ये सामने उठा दिया है, और ये भाई 6 रन, ओ व्हाट अ शॉट बाय सचिन तेंदुलकर, क्या शॉट मारा है भाई, क्या ही शॉट मारा है। प्रेशर थोड़ा सा रिलीज होता हुआ टीम से, और ये बेहतरीन शॉट मारा है तेंदुलकर ने। और अब टीम को जीत के लिए चाहिए हैं 4 रन 3 गेंदों में। और अगली गेंद डालने के लिए आ रहे हैं ग्रैनर, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज वाले इतनी आसानी से रन देंगे नहीं। और ये अगली गेंद, और ये आगे बढ़ के मारने का प्रयास, लेकिन बाल बाल बचे, और ये नो बॉल, वाह भाई, एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला वेस्ट इंडीज के लिए। अब जीत के लिए चाहिए हैं 3 गेंदों में 3 रन। सचिन तेंदुलकर को मेरी है फ्री हिट, देखते हैं, ऊपर से मारने का कोशिश करता हूँ। ओह ये क्या हुआ भाई, ये कोई ग्लिच हो गया शायद, मैं मतलब मारने की कोशिश की थी वटखला ने। कोई बात नहीं, दो गेंदों में 3 रन चाहिए है। और ये ड्राइव मारी है सिंगल लेने का प्रयास, लेकिन वापस लौटे फील्डर बहुत ही पास,
अब एक गेंद में 3 रन चाहिए है, मैच फंसता हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये मैच भारत जीत पाएगा, लेकिन पक्का मैं पुल शॉट मारने की कोशिश करूंगा इस बॉल पर, देखते हैं क्या होता है। और ये पुल मारा है भाई, जीत गए, ये मार दिया छक्का। और इसी के साथ हम लोग ये मैच बड़ी ही कठिनाइयों से जीते जरूर, लेकिन कठिनाइयों से जीते। और भाई बढ़िया गेंदबाजी वेस्ट इंडीज़ और भारत दोनों की तरफ से, लो स्कोरिंग मैच लेकिन बढ़िया खेले तेंदुलकर और सहवाग। इसी के साथ भारत ये मैच जीतता हुआ और टूर्नामेंट में अभी भी हम लोग बने हुए हैं। अंक तालिका में हमारी रैंक है 3rd या 2nd। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।